हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल CSSBMS विलेज। इट इज़ हाईली होप डेट यू वुड बी एंजॉयिंग द बेस्ट हेल्थ अलोंग विद द बेस्ट प्रिपरेशंस एंड स्ट्रेटजीज फॉर द अपकमिंग CSS एग्जाम 2023 एंड ऑनवर्ड्स। आज देखने जा रहे हैं हम 2022 के पास्ट पेपर्स का सॉल्यूशन, जो कि हमने आज पेपर उठाया है PC एंड कंपोजिशन। उसमें भी हमने आज जो सॉल्व किए हैं वो पेयर ऑफ वर्ड्स जो कि पूछे गए थे 2022 के पेपर में, इंग्लिश के बी पेपर में, जिसको हम बी पेपर भी कहते हैं, PC एंड कंपोजिशन भी कहते हैं, जो 100 नंबर का होता है। तो आज हम इसको सॉल्व करते हैं कि पेयर ऑफ वर्ड्स कौन कौन से पूछे गए थे। तो डिफरेंस आप जुड़े रहिए, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने जा रही है क्योंकि इस वीडियो में मैं ना सिर्फ पेयर ऑफ वर्ड्स सॉल्व करता हूँ बल्कि एक्सटेंसिव वोकैबुलरी जो इनके साथ रिलेटेड होती है, लिंक्ड होती है, वो भी मैं इसमें ऐड करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फ्रेजल वर्ब्स हो गए, कोई इडियम्स हो गया जो इन वर्ड्स के साथ रिलेटेड होता है, तो वो भी मैं ऐड करता हूँ। तो इस वजह से ये वीडियो जो है तो बहुत मीनिंगफुल और ये आप लोगों के लिए बहुत मुफीद साबित होगी, क्योंकि ये एक इसमें एक्सटेंसिवली सारी चीज़ें आ जाती हैं, पैरा वर्ड्स, इडियम्स, वोकैबुलरी एंड सिनोनिम एंटोनिम्स। तो ये सिर्फ पैरा वर्ड्स के लिए नहीं है बल्कि इसमें बाकी चीज़ें भी कवर हो जाएंगी आपकी, होपफुली। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स हैव अ लुक ऑन आवर फर्स्ट पैरा वर्ड्स व्हिच इज़ एनालिस्ट। डेफिनेशन ऑफ पैरा वर्ड्स और होमोनियम्स मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुका हूँ, वो यही मैंने डिफ़ाइन की है कि जो होमोनियम्स होते हैं या जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं या कन्फ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, वो वही वर्ड्स होते हैं जो मीनिंग में डिफरेंट होते हैं लेकिन क्वाइट सिमिलर होते हैं वो अपनी प्रोनाउंसिएशन में। तो प्रोनाउंसिएशन उनकी सिमिलर होती है लेकिन मीनिंग उनकी जो होती है क्वाइट डिफरेंट होती है। तो देखते हैं, पहला आज हमारे पास जो है वो है एनालिस्ट। एनालिस्ट का मतलब है अ हिस्टोरियन हु राइट्स एनल्स। एनल्स का मतलब क्या है कि कोई रिकॉर्ड, कोई पास्ट हिस्ट्री का रिकॉर्ड है, किसी जो वास हैं या कोई किसी भी सिविलाइजेशन है उनकी हिस्ट्री है, तो उनका जो रिकॉर्ड होता है उसको हम एनल्स कहते हैं। ये पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। नेक्स्ट है हमारे पास एनालिस्ट, और इसकी जो मीनिंग है हमारे पास समवन हु इज़ स्किल्ड एट एनालाइजिंग थिंग्स एंड डेटा, जो एनालाइज करता है उसको एनालिस्ट कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच इसका भी नाउन है। नेक्स्ट हमारे पास जेस्ट। जेस्ट इसकी भी जो मीनिंग है हमारे पास अ टेल। टेल को आप इससे कन्फ्यूज ना कीजिएगा, टेल, तो ये अ टेल ऑफ अचीवमेंट्स और एडवेंचर, अ स्टेज ऑफ रेस्ट इन जर्नी। तो ये जो है जेस्ट है, ये एक टेल ऑफ अचीवमेंट्स है या कि स्टोरी, ये जो टेल है इसका मतलब है स्टोरी, कोई कहानी हो अचीवमेंट की या एडवेंचर्स की। इसका दूसरा मतलब ये है कि स्टेज ऑफ रेस्ट इन जर्नी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो नाउन है। नेक्स्ट है हमारे पास जेस्ट, जिसका मतलब है अ थिंग सेड और डन फॉर अम्यूजमेंट, अ जोक, गैग, जेप, लाफ। जैसे कि मैंने पहले बताया इंट्रो में कि इसमें मैंने एक्सटेंसिवली वोकैबुलरी भी यूज़ की है, सिनोनिम्स भी यूज़ किए हैं, ताकि आप जो है अच्छे से तैयार कर सकें अपने वोकैब पोर्शन आप CSS और अदर वन पेपर एग्जाम एज वेल। आगे हैं टेल अ जोक, जेस्ट एट, जैसे जेस्ट एट इज़ फ्रेजल वर्ब है, लाफ एट जो प्रोपोजिशन फिक्स प्रोपोजिशंस अपने साथ लेते हैं वर्ड्स के, लाफ एट ही होता है, जेस्ट एट होता है, और रोस्ट रिडिक्यूल। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन भी हैं, ये वर्ब भी हैं, ये वर्ब यहाँ से शो हो रहा है टेल अ जोक और ये नाउन यहाँ से है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ले। स्ले इस स्ले का मतलब है अ व्हीकल ड्रॉन बाय हॉर्सेस, डॉग्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन अवर स्नो, जो बर्फ पे जो एक घोड़ों की जो एक कार्ट होती है जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लकड़ियों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं स्ले। और इसका नाउन पार्ट है हमारे पास स्लेज, राइड ऑन अ स्लेज। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन भी है, वर्ब भी है। मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि फास्ट भी चलूँ ताकि वीडियो जो है लंबी ना हो। नेक्स्ट हमारे पास स्ले, मीनिंग टू किल और मर्डर इंटेंशनली एंड विथ प्रीमेडिटेशन।
इसका जो फ्रेजल वर्ब है बम्प ऑफ, पॉलिश ऑफ, मर्डर। देखें ये इसलिए मैंने यूज़ किए हैं ताकि आपके फ्रेजल वर्ब्स और बाकी सिनोनिम्स वो भी इम्प्रूव होते जाएं। नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है स्लेज, स्ल्यू इसका सेकंड फॉर्म है, स्लैन इसका थर्ड फॉर्म है, स्लैंग इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। नेक्स्ट है हमारे पास पैरा वर्ड शॉट, शूट। तो इसकी मीनिंग जो है वो है फायर अ बुलेट, जो शूट करते हैं हम गन से, और डिस्चार्ज एन एरो फ्रॉम अ बो, किल बाय फायरिंग ब्लो अवे। ये देखें ब्लो अवे, ये भी मैंने फ्रेजल वर्ब यूज़ किया है। अब यहाँ पे idiom आ गया शूट अ लाइन, जिसका मतलब है शो ऑफ करना, दिखावा या एग्जाजरेशन, जहाँ जैसे कि ये मैंने अच्छा वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है इसका एज ए सिनोनियम, गेस को नेड, बोस्ट, टोट, वेंट, शूट द ब्रीज, ये सेकंड इसका जो है idiom है, जिसका मतलब है टाक सोशली विदाउट एक्सचेंजिंग टू मच इंफॉर्मेशन, कि बस ऐसे ही होंठों में बात करना, इसके कुछ क्लियरली ना अटर करना, जैसे कि चेफर, चेटर, चेट, च्यू द फेट, ये भी idiom है कि सही से ना बोलना, कुछ समझ ना आना, एम्बिगुअस होना या वेग आर्गुमेंट देना। देखें च्यू द फेट, च्यू द रेग, कॉन्फेबुलेट, ये बहुत अच्छा वर्ड है, पास्ट पेपर में पूछा गया है कॉन्फेबुलेट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब एंड नाउन। अच्छा नाउन इसका कैसे है, वो ये है कि न्यू ब्रांच ऑफ ट्री, शूट जो होती है ना एक टहली होती है, या कोई इसका न्यू जो उससे निकलता है ट्री से ब्रांच, टेली कहते हैं हम उसको, या सिंपली उसका कोई नई उसकी जड़ से कोई और चीज़ निकलती है, तना कह लेते हैं जो भी, तो आप इसका ये नाउन पार्ट हो गया। एक्ट ऑफ शूटिंग एट टारगेट्स, ये एक्ट भी है इसका कि एक्ट, कोई ऐसा एक्ट है जो शूटिंग का एक्ट है, वो भी नाउन पार्ट ऑफ स्पीच शो कर रहा है इसका। तो होपफुली आप समझ रहे हैं इस बात को। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट, जिसकी मीनिंग है रेस्क्यू इक्विपमेंट, ये भी नाउन है रेस्क्यू इक्विपमेंट, ये पैराशूट से निकला हुआ है। ये देखें पैराशूट जो हम जो पहनकर एक्रोबेट्स होते हैं, या जो एक स्काई डाइवर्स जो एक सही है वो जो एरोप्लेन से छलांग लगाते हैं, तो वो ये पैराशूट पहन के लगाते हैं, तो ये पैराशूट से निकला है शूट। स्लोपिंग चैनल थ्रू विच थिंग्स कैन बी डिसेंड स्लाइड जंप फ्रॉम एन एरोप्लेन, कि स्लोपिंग चैनल है थ्रू विच थिंग्स कैन डिसेंड, ये भी इसका वर्ब फॉर्म आ गया, नाउन भी है ये वर्ब भी हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये देखें, ये मैंने एक्सटेंसिवली इसमें यूज़ किया है, सीएस में पूछा तो ये गया था और ये गया था, लेकिन ये भी इसकी साथ आ गया है एज अ होमोनियम, जो कन्फ्यूजिंग वर्ड है, क्योंकि इसमें जो है कॉइन में और इसमें जो स्पेलिंग्स हैं वो डिफरेंट है, लेकिन जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो सारी सेम है। तो देखते हैं पहले कॉइन को हम इससे भी शो कर रहे हैं, क्योंकि ये अमेरिकन और ब्रिटिश आ जाता है यहाँ पे, तो इसका मीनिंग हम देख लेते हैं। अ प्रोजेक्टिंग कॉर्नर और एंगल ऑफ वॉल, द की स्टोन ऑफ एन आर्क, कॉइनेज, ये सेम ही है दोनों, बस इसमें ये है कि ये जो हैं ये ब्रिटिश हैं और ये जो हैं अमेरिकन हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉइन, कॉइन ये पता ही आपको, इसका मतलब है अ फ्लैट मेटल पीस यूज एज अ मनी, और ये मेकअप के लिए कोई हम कोई समथिंग फैब्रिकेट करना या कोई इन्वेंट करना, जिसके यू शुड मेकअप द न्यू आर्टिकल, तो हम उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं कॉइन करना, इन्वेंट करना या मेकअप करना। फॉर्म बाय स्टैंपिंग, जैसा कि वर्ड पाकिस्तान इज कॉइंड बाय चौधरी रहमत अली इन 1933 इन पम्पलेट नाउ और नेवर। तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच देख लेते हैं नाउन एंड वर्ब। नेक्स्ट है हमारे पास कॉइन, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, इज गोइंग टू सिमिलर हैव सिमिलर प्रोनाउंसिएशंस लाइक अदर अबो टू। तो इसके हम मीनिंग देख लेते हैं, एक्सटेंडेबल मेटल और वुडन वेज यूज्ड बाय प्रिंटर्स, प्रिंटर्स जो यूज प्रिंटर्स में यूज़ किया जाता है टू लॉक अप अ
फार्म विद इन अ केस, कोई केस के फार्म को लॉक करने के लिए जो मेटल या वुडन वेज यूज़ करते हैं उसका मतलब है क्वाइन। और इसका सॉलिड एक्सटीरियर एंगल ऑफ बिल्डिंग एंगल एक ये भी है, ये है एंजल और ये है एंगल। इसमें भी आप जो है कंफ्यूज ना होएगा, ये एंगल जो एक ट्रायंगल या स्क्वाड्रिलेटरल जो कि ज्योमेट्री की फिगर्स होती हैं उसका मतलब है ये एंगल। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। नेक्स्ट हमारे पास की एंड की मीनिंग है, इसका देखते हैं हम। अ मेटल ऑब्जेक्ट फॉर लॉकिंग एंड अनलॉकिंग अ डोर, सर्विंग एन एसेंशियल कंपोनेंट, जैसे कि हम कहते हैं की प्रिंसिपल्स की यूसेज ऑफ दिस आर्टिकल। तो की मीन्स एसेंशियल और वेरी प्रोमिनेंट, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं की। रूल्स ऑफ पीसफुल लाइफ कार्डिनल, इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं, कार्डिनल, सेंट्रल, प्रिमल, की आउट। ये देखें, ये फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है क्लासीफाई और अप्लाई द एप्रोप्रिएट टाइम टू इन अ बॉटनी और बायोलॉजी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन एंड एडजेक्टिव। इस की का देख लेते हैं हम, ये है वर्ब जो एक डार्फ होता है या डॉकयार्ड जिसको कहते हैं हम, जहाँ पे जहाज़ आकर खड़े हो जाते हैं या वहाँ पे हम कोई स्टोरिंग या कोई टैंकर्स जो उतारे जाते हैं इंटरनेशनली जो हम सी में आते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं कोए। ये वाफ इसका ना पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। नेक्स्ट है हमारे पास वाइल। वाइल इस वाइल का मतलब है द यूज़ ऑफ ट्रिक्स टू डिसीव समवन, धोखा देना किसी को, टू एक्सट्रैक्ट मनी, चिकन गाइल, चिनानीगन। चिनानीगन भी पूछा गया है एज अ सिनोनियम इन सीएसएस ऑब्जेक्टिव पार्ट, चिनानीगन। इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो नाउन है। नेक्स्ट हमारे पास वाइल, इसका मतलब है एट द सेम टाइम, इवन दो, वाइल्स्ट, अ पीरियड ऑफ इंटरमीडिएट इनडिटर्मिनेट लेंथ मार्क बाय सम एक्शन और कंडीशन, पैच, स्पेल, वाइल अवे। अब देखें, वाइल अवे एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है स्पेंड और पास, गेट थ्रू, सक्सेस हो जाना, कामयाब हो जाना, वाइल अवे। सो पार्ट ऑफ स्पीच है इसकी नाउन, कंजंक्शन एंड वर्ब। वर्ब यहाँ से आ जाता है, कंजंक्शन यहाँ से, इवन दो, और नाउन जो है ये हैं अ पीरियड, वाइल, वेट अ वाइल, कि आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। तो ये आप सेंटेंस अपने तरफ से बना सकते हैं क्योंकि इतना टाइम है नहीं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी अगर मैं सेंटेंस भी बनाता यहाँ पे। तो लेट्स मूव टू द पैरा वर्ड एट व्हिच इज़ लीक। लीक इस लीक का मतलब देख लेते हैं, अ प्लांट हैविंग डार्क ग्रीन लीव्स, रिलेटेड टू ऑनियन, ईटन एज अ वेजिटेबल। ये एक वेजिटेबल है, ये पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन है। इस लीक का मतलब देख लेते हैं, स्केप, लीकेज, आउटफ्लो, एक्सीडेंटल होल। और दूसरा है, हैव एन ओपनिंग टू अलाउ लाइट्स सब्सटेंस टू इंटर, कोई लाइट का इंटर करना। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन वर्ब। नेक्स्ट है हमारे पास नाइन, ये है स्लू। स्लू ये पूछा नहीं गया था लेकिन मैंने इसी में से, जब मैं ये सोल्व कर रहा था, बना रहा था, तो इसी में से पास्ट पेपर जो पास्ट पेपर में पूछा गया है, ये पूछा गया है स्लू एज अ सिनोनियम और आई थिंक एंटोनियम पूछा गया है, तो ये मैं बना रहा था तो मुझे ये मिल गया, तो मैंने कहा कि इसको मैं ऐड कर लूँ। देखते हैं स्लू का मतलब क्या है। अ लार्ज नंबर, अमाउंट और एक्सटेंट, टर्न शार्पली, किल। ये स्ले जो हमने ऊपर देखा है उसका सेकंड फॉर्म है, स्ले मीन्स की किल करना, स्ले ट्वेन फॉर्म, ये जो स्लू है इसका ये मतलब भी है, अ लार्ज नंबर, अमाउंट और एक्सटेंट, टर्न शार्पली, टर्न हो जाना। इसका पार्ट ऑफ स्पीच हम देखते हैं नाउन एंड वर्ब। इस स्लू का मतलब है टर्न शार्पली, चेंज डायरेक्शन एब्रप्टली, कर्व, टर्न, स्वेयर, शीर। अच्छा, शीर एक ये भी है, ये भी पास पेपर में पूछा गया है, और दूसरा ये है।
इन दोनों के मतलब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। नेक्स्ट है इसका जो आगे है मूव ऑब्लिकली और साइड वेव्स, स्किड सिल्यूम, इसके टर्न और ट्विस्टेड जो एक फॉर्म होता है या जिसमें मैनी डायरेक्शंस होते हैं या जो डायरेक्शंस जल्दी चेंज हो जाते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सिल्यूम। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अभी तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत सीखने को ज़रूर मिला होगा। इफ सो देन हिट द बटन ऑफ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।